बना है? कैसा? मुंह से बोलो। नमस्ते एवरीवन, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल लॉलीपॉप, तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल लॉलीपॉप जो कि चिकन लॉलीपॉप से काफी बेहतरीन लगेगा। तो उसे बनाने की तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये कैरेट ले, तो यहाँ पे मैंने इसे कद्दूकस कर लिया। आप चाहे तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये ली है पत्ता गोभी, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, मेन कर लेना है। और साथ ही में मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची ली है यानी कि कैप्सिकम। और यहाँ पे मैंने एक प्याज भी ले लिया है, कट कर लिया है। आप चाहो तो आलू भी डाल सकते, लेकिन मैं सिर्फ वेजिटेबल्स का बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बीन्स ले ली है, तो ये फ्रेंच बीन्स है। इतनी सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं सबसे पहले एक चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। आप कोई भी गरम मसाला ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ यानी ब्लैक पेपर। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची मैंने यहाँ पे कूट ली है एक साथ। इसका मैंने दरदरा पेस्ट बनाया है, तो मैं तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और साथ ही में मैं 1 चम्मच इसके अंदर सोया सॉस डालूंगी, तो 1 चम्मच इसमें सोया सॉस मैंने ऐड कर दी है। और साथ ही में मैं इसके अंदर डालूंगी, तो यहाँ पे मैंने 4 टोस्ट लिए यानी रस्क लिए। इसका मैंने मेन पाउडर बना लिया। आप इसके जगह पे ब्रेड भी डाल सकते हैं, ब्रेड पीस कर। और साथ ही में मैं 4 चम्मच इसके अंदर मैदा डालूंगी। और साथ ही में मैं 2 बड़े चम्मच इसके अंदर डालूंगी चावल का आटा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने इसमें नमक जो डाला है, इसे मिक्स करने के बाद इसे रख देंगे ताकि ये जो नमक है सारे वेजिटेबल्स के अंदर जाके इसका पानी निकाल दे। सो फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से गूंथ ले रही हूँ। सभी वेजिटेबल को अच्छे से सान लेना है। तो ये देखिए, पानी छोड़ना शुरू हो चुका है सब्जियों में से। तो फ्रेंड्स, इसे हमें गूंथना है, इसका अच्छा सा डो तैयार करना है। और इसमें पानी नहीं ऐड करना है, इसके सब्जियों का ही पानी रहेगा सब। तो ये देखिए, इसका डो बनना शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से इसका डो बन रहा है, तो इसे हमें गूंथते रहना है अच्छे से। ये 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। करना है हमें ऐसे लेना है, इसे उठाना है। और यहाँ पे मैंने ये देखिए स्टिक लिया है, तो मुझे आइसक्रीम स्टिक नहीं मिली, तो मैंने क्या किया है, तो ये करी लीव्स की स्टिक है ये, तो मुझे कड़ी पत्ता की स्टिक मिली, तो मैंने इसे ही ले लिया। तो अब क्या करना है, ये ऐसे उठाना है और इसके अंदर ये लकड़ियों को ऐसे टिका देना है नीचे करो। इस तरह से इसमें लगा लेना है। ये देखिए कितना प्यारा बन गया है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, इसमें इजीली ये लग जाता है, तो इसे रख देते हैं साइड में। और सारे लॉलीपॉप्स हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये वेजिटेबल लॉलीपॉप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लॉलीपॉप तैयार हो गए, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो हमें मीडियम फ्लेम पे ये सारे लॉलीपॉप को फ्राई कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राई हो रहे हैं, तो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही करना है।
लो फ्लेम पे नहीं करना इसे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसे हल्का हल्का हमें पलट लेना है, ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप इसे एक बार खाएंगे ना तो चिकन भूल जाएंगे, चिकन का स्वाद। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है वेजिटेबल लॉलीपॉप। सुनहरा हो चुका है तो मैं इसे अब निकाल ले रही हूँ। ये देखिए कितना मस्त कलर आया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसे रिमूव कर लेना है प्लेट में। तो ये देखिए वेजिटेबल लॉलीपॉप, ये चिकन लॉलीपॉप से कम नहीं लग रहा है। तो ये देखिए बच्चों को बहुत पसंद आएगा और प्रोटीन, मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये लॉलीपॉप रेडी हो चुके हैं, आप इसे फ्रीजर में ऐसे रख सकते हैं और जब आपका खाने का मन करे तो अच्छी सी सॉस बना के इसे सर्व करिए। सो फ्रेंड्स ये वही कढ़ाई है तो मैंने तेल निकाल दिया है, तो उसके बाद थोड़ा सा तेल बचा लिया है, तकरीबन एक चम्मच तेल है, तो उसमें मैंने अदरक लहसुन मिर्ची कुटी हुई डाल दिया है। तो हल्का सा भून लेना है इसे। तो हल्का सा ये भुनने के बाद हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल दी है इसके अंदर, हल्का सा इसे भी भून लेना है। इसे हमें डाल लेना है, तो मैं यहाँ पे एक चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ और यहीं पे मैं एक चम्मच सेजवान चटनी डाल रही हूँ। तो यहीं पे मैं एक चम्मच क्या कर रही हूँ, ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, मैं रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। तो अपने मन पसंद की सॉसेस मैंने डाल दी है इसके अंदर। और यहीं पे मैं डालूंगी एक नींबू का रस, आप इसके जगह पे विनेगर डाल सकते हो। तो एक नींबू डाल दिया है मैंने इसका रस एक चम्मच, और अच्छा सा इसे करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने ये बनाया था, तो इसे भी हमें डाल देना है, ये मैदा और अरारोट, इसे भी डाल देना इसके अंदर। तो थोड़ा थोड़ा डाल देना है। मैं इसमें दो कटोरी पानी डाल दे रही हूँ। तो इसे अच्छे से गर्म कर लेना है, बस ज़्यादा नहीं, इसे अच्छा सा पका लेना, इसमें उबाल आने देना है। तो ये अरारोट जो ये मिलाया था हमने, इसे थोड़ा थोड़ा डालते रहना है, चलाते रहना है, स्वाद अनुसार मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। याद रहे नमक हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि सॉसेस में भी नमक रहता है। नहीं तो सॉसेस नीचे जलने लगेंगी। काली मिर्च इसके अंदर थोड़ी सी डाल देना है, तकरीबन एक चुटकी। मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसे कलर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो गैस को कर दे रही हूँ मैं बंद। तो ये देखिए हमारी सॉस तैयार हो चुकी है, इस सभी लॉलीपॉप को इसमें कोट कर देना है। तो ये लॉलीपॉप हमारा इसके अंदर जा रहा है, अच्छे से इसे कोट कर देना है। ये देखिए तो सभी लॉलीपॉप को मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ इस तरह से, अच्छा लगेगा ना। तो ये देखिए सभी लॉलीपॉप को मैंने ऐसे कोट कर दिया है। तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, आप बाहर का खाना भूल जाएंगे, सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस बनता है ये, आप बनाइए एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स चम्मच से सारे सॉसेस सभी सॉस को मैं ये लॉलीपॉप के ऊपर डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने नहला दिया है पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स ये सभी लॉलीपॉप को मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए
तो ये बच्चों को आप बनाएंगे ना तो उन्हें देखते ही खाने का मन करेगा, और साथ ही साथ आप चीटिंग से उन्हें सब्जियां भी खिला देंगे तो ये कितना मजेदार बनेगा। तो ये देखिए, वाव, आई मीन मुझे भी खाने का मन कर रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये, इतना ये डिलीशियस बना है ये। तो ये लग रहा है ना एकदम चिकन की तरह। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, ये सॉस जो बची है इसे मैं कटोरी में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, एक कटोरी भर लिया है मैंने, इसके बीच में रख देना है ताकि ये लॉलीपॉप को ऐसे डिप करके खाने में बहुत मजा आए। सो फ्रेंड्स, मैं इसे पत्ता गोभी से थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ, आप ऑनियन से भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए, चिकन लॉलीपॉप जैसा लग रहा है ना। तो ऐसी ऐसी रेसिपी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लॉलीपॉप ठंडी सर जा रहे, कैसा बना है? हेलो गाइस, ये बहुत अच्छा बना है। ये एकदम चिकन लॉलीपॉप जैसे लग रहा है। ये एकदम चिकन लॉलीपॉप जैसे लग रहा है, घर पे ट्राई जरूर करना। कैसा बना है परी? कैसा बना है?